कंप्यूटर का हम लोग कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, और वहीं से शुरू करेंगे। तो इसमें पहले कंप्यूटर पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब उतने नहीं पूछे जाते हैं। अब जो मतलब एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उस पर आते हैं क्वेश्चन। इसमें बेसिक क्वेश्चन थे, इंटरनल जो डिवाइसेस होती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उनके ऊपर ये क्वेश्चन थे, तो वो भी देख लेते थे। ठीक है। टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो बाहर लगती है, एक्सटर्नल जो मेमोरी कहते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गई, SSD जिनको कहते हैं, हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी कौन सी है? रैम एंड रोम, बस वही प्राइमरी है, और बाकी ये सारी सेकेंडरी में आती हैं। ठीक है। द एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी, कैश, कैश मेमोरी, कैश ACH लिखा है, कैश पढ़ते हैं। और कैश मेमोरी एक तरह से टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसमें जो भी प्रोसेस होता है ना, वो इसमें भी रहता है जब तक ऑन रहता है सिस्टम। ठीक है, जैसे सिस्टम ऑफ होगा वो तुरंत डिलीट हो जाएगा सब कुछ कैश मेमोरी में। द मेमोरी विच हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी शॉर्टेस्ट एक्सेस इसलिए भी क्योंकि उसमें सबका एक वर्चुअल डाटाबेस होता है। ठीक है, जो जितना भी हमारे प्रोसेस होते हैं या जो हार्ड डिस्क वगैरह का जो भी है डाटा पड़ा है, उसका एक एड्रेस उसमें कैश मेमोरी में होता है। तो सिस्टम को जब कोई चीज़ मतलब लेना होता है, वहाँ से एक्सेस करना होता है, तो कैश मेमोरी में पहले सर्च करता है, मिलता है तो तुरंत एक्सेस कर लेता है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट टाइम लगता है इसमें। अदरवाइज वो जाएगा क्या कहते हैं मेन मेमोरी में जाएगा, वहाँ सर्च करेगा, उसको टाइम लगेगा ना उसमें। यहाँ कैश मेमोरी से वो डायरेक्ट ही एक्सेस कर लेगा उस चीज़ को जो उन्हें चाहिए होता है। ठीक है। फास्टेस्ट मेमोरी कैश मेमोरी। कोबोल कंप्यूटर लैंग्वेज। कोबोल, पास्कल, ये सब कंप्यूटर लैंग्वेज थी पहले। ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, बताया था। फिर अमंग बेसिक सी, फास्ट, फोर्ट्रॉन, दिस इज नॉट लैंग्वेज, फास्ट। ठीक है, फोर्ट्रॉन है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन का फुल फॉर्म होता था। बेसिक सी और एक और होता है पास्कल, ये सब पहले सिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, अब नहीं यूज में उतनी। ठीक है, ये पास्कल। इसमें है जावा, C++, रोम, पेंट ब्रश, दीज आर नॉट लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर, रोम और पेंट ब्रश। ठीक है, पेंट ब्रश जो इनका पेंट सॉफ्टवेयर होता है उसमें रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, पास्कल, C++, सी, जावा, ये सब लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, सम कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कोबोल, पास्कल, बेसिक, बताया था, यही सारी लैंग्वेज थी पहले। फोर्ट्रॉन भी लैंग्वेज है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसमें साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज होती है, इसलिए फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है, फोर्ट्रॉन। ठीक है, बेसिक इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज, बेसिक इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज है कंप्यूटर लैंग्वेज की, अलग अलग क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर लैंग्वेज के। ठीक है, फिर JSP मतलब जावा सर्वर पेजेस, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो जब उसमें सर्वर पेज बनाते हैं तो JSP का इस्तेमाल करते हैं। उनका जो जो एंड में जैसे PDF होता है, जैसे तो लास्ट में वो नाम लिख के फिर .PDF लगता है, वैसे JSP पेजेस में .JSP लग जाता है। ठीक है, फिर वर्क ऑफ असेंबलर टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इंटू मशीन लैंग्वेज। ये मतलब जो मान लीजिए कि जावा या C++ में जो भी कोडिंग हुई, लैंग्वेज की कोडिंग हुई, अब वो कंप्यूटर कैसे समझेगा? ठीक है, तो उसके लिए असेंबली की जरूरत पड़ती है। वो उस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा कि 0101 जो भी फॉर्मेट है उसमें वो समझेगा फिर कंप्यूटर। लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, मशीन लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग आप किसी भी उसमें कर लो। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में कर लो, कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज ही समझेगा, 0101 का जो फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो कोई भी चाहे सी में करो, जावा में करो, किस में भी करो, तो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा 0101 में, क्योंकि वो वही भाषा समझता है, वो सारी भाषाएं बाकी नहीं समझता है। बाकी उसको एक असेंबलर की जरूरत पड़ेगी जो उनको कन्वर्ट करे और उसको बताए कि भाई ये चीज़ है। ठीक है, द मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन बूलियन एल्जेब्रा। ठीक है, बूलियन एल्जेब्रा, ये मतलब जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ी है 11th 12th में, शायद उनको पता हो बूलियन एल्जेब्रा। ठीक है, हमने तो पढ़ी, हमें पता है, आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी तो उनको पता होगा। बूलियन एल्जेब्रा में भी मतलब 1010 के ही काफ़ी सारे कैलकुलेशन और वो सब होते हैं, इक्वेशन टाइप के। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑन विच डिजिटल कंप्यूटर वर्क लॉजिकल, ऑब्वियस सी बात है, वो लॉजिक पे काम करता है। इफ अ डोमेन नेम एंड्स विद .edu.us देन इट इज एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन USA, मतलब उनको नाम से पता चल रहा है, EDU का मतलब एजुकेशन से, US में मतलब USA से, यहाँ इंडिया का होता है IN पड़ जाता है। ठीक है, इंडिया इंडिया की साइट होगी तो IN पड़ जाएगा, तो अलग अलग कंट्री में असाइंड है, किसी में कॉमन कॉमन नहीं होगा, सब में अलग ही होगा। ठीक है, फिर द वेबसाइट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन .com रिफर्स कॉमर्शियल, .com मतलब कॉमर्शियल, इन है तो इंडिया का है, कॉम लगा है, .com लगा है तो वो कॉमर्शियल है। द
वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन आर, तो इसमें से कौन से थे, ये सारे मतलब और भी रहे होंगे, तो उसमें से .com, .gov, .net ये सब हैं। फिर करेक्ट स्टेटमेंट, कई सारे स्टेटमेंट रहेंगे उसमें से करेक्ट बताना था। प्रॉक्सी सर्वर प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट बाई फॉरवर्डिंग द रिक्वेस्ट टू अदर सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर डज नॉट प्रोवाइड TCP/IP एड्रेस। ठीक है, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आपको कोई कोई साइट वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो आप क्या करते हो, सीधा अपने लैपटॉप खोला, गूगल क्रोम खोला और www.google.com, फिर उसके बाद आपने सर्च किया। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट एक्सेस किया, ये इसमें आपकी IP एड्रेस भी जाएगी। तो लेकिन कुछ लोग जैसे जो मास्क करना चाहते हैं, मास्क मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, या गवर्नमेंट के डर से कई लोग करते हैं ना सब, तो वो क्या करेंगे, प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करेंगे। वो पहले उस प्रॉक्सी सर्वर से पूछेंगे, और वो प्रॉक्सी सर्वर फिर जाके मेन सर्वर से पूछेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो यूज़र है उसकी आइडेंटिटी छुपी रहती है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है लेकिन। ठीक है, फिर विद रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन VLC, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें बताना था VLC यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 to 780 नैनोमीटर। VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ। ठीक है, और वैसे बात है ब्लूटूथ सबसे धीमे होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, उससे सारी ही टेक्नोलॉजी उससे लगभग तेज होंगे। तो आप इंफ्रारेड उससे धीमे होता है, ब्लूटूथ से भी धीमे इंफ्रारेड होता है, फिर ब्लूटूथ आएगी, फिर वाईफाई लाईफाई ऐसे करके हैं। तो ये VLC भी आगे की टेक्नोलॉजी है, मतलब ब्लूटूथ से फास्टर ही होगी। VLC हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इन्फ्रेंसेस। ठीक है, क्योंकि ये लाइट पे चल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ, इसमें विजिबल लाइट कम्युनिकेशन है। ठीक है, विजिबल लाइट का इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होगा, जो कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो इलेक्ट्रॉनिक से निकलती है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। जैसे आप कभी कभी देखो जहाँ पे वाईफाई होगा और आप वहाँ पे वायरलेस ईयरफोन यूज़ करो, तो आपको वो डिस्टर्बेंस सुनाई देगा। ठीक है, आवाज़ साफ़ नहीं जाएगी या नहीं आएगी, वो उस केस में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के केस में। ठीक है, लेकिन जहाँ अगर लाइट यूज़ होगी तो वहाँ ये इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, विद द रेफरेंस टू नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, द करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, इट इज कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड, NFC कैन यूज इंक्रिप्शन वेन सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन मतलब होता है कि बहुत पास में, जैसे वो कार्ड वाला आपने देखा, कार्ड कार्ड स्वाइप करते हैं या टच करते हैं और उसमें तुरंत इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो वो NFC का यूज़ करते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। वो बहुत पास रहेगा ना, एकदम टच, या तो टच कर देगा या टच के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तब वो करेगा, और जो इन्फॉर्मेशन ये भेजता है वो मतलब इनक्रिप्ट रहता है, इनक्रिप्ट मतलब उसको डिकोड इनकोड कर देते हैं ताकि कोई ऐसे ना पढ़ पाए। ठीक है, इनक्रिप्शन मतलब होता है कि उसको छुपाना एक तरह से। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरटेनमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आर, AR, AR मतलब फुल फॉर्म नहीं लिखा है लोगों ने, AR अलाउज इंडिविजुअल टू बी रिप्रेजेंट इन प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड अप्रूव द एक्सपीरियंस, कैमरा, स्मार्ट PC, फोन, PC, VR। अच्छा, AR और VR वो है यार, क्या कहते हैं, ट्रांसपोज एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग कंप्लीट इमर्शन एक्सपीरियंस। AR VR वो होते हैं वर्चुअल, और क्या था यार इसका, मुझे भूल जाता है, चलो इसको बाद में देख लेते हैं। AR VR टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें एक में होता है कि जैसे मान लीजिए कि अरे वो पोकेमॉन वाला गेम आया था ना, वो इसी पे बेस्ड था, AR VR पे। ठीक है, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं बाद में। टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ नेटवर्क विदाउट लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ वी यूज रिपीटर्स। ठीक है, रिपीटर्स यूज होते हैं जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को मेंटेन किए रहते हैं। द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। बस का मतलब क्या होता है, बस का मतलब होता है कि जो आपका वायर है वो कितने कितने सिग्नल ले जा रहा है एक बार में। ठीक है, ये कितने बिट का सिग्नल ले जा रहा है मेनली, तो वो वायर ही है, जैसे 4 बिट का, 8 बिट का, 16 बिट का, ऐसे करके। ठीक है, द प्लेस वेयर एसेसरीज आर कनेक्टेड विथ कंप्यूटर नोन एज पोर्ट, जो आपका जैसे कहते हैं USB पोर्ट। ठीक है, या पेन ड्राइव पोर्ट, तो वो वहीं पे उसी उसको पोर्ट कहते हैं। पासवर्ड इन कंप्यूटर प्रोटेक्ट अनऑथराइज एक्सेस ऑफ सिस्टम, ये तो पुराना। इन्फोटेक इन टर्मिनोलॉजी यूज टू फाइंड द यूजर ईमेल फिंगर। ठीक है, इन्फोटेक टेक्नोलॉजी है जिससे यूजर का ईमेल एड्रेस मिल सके, फिंगर। अब ये कोई है, इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर
इज यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, क्योंकि हमारी कई सारी चीज़ें जो हैं अब ऑनलाइन हो गई हैं। इवन हमारे जैसे ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, हम लेन देन जो करते हैं बैंक का, वो भी अब आराम से हो जाता है डिजिटली। ठीक है, तो वो चीज़ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, क्योंकि अगर वो कोलैप्स कर गया या हैक हो गया या उसमें कोई मालवेयर आ गया तो सबको दिक्कत होगी, बैंक को दिक्कत होगी, देश को भी दिक्कत होगी, नुकसान होगा सबका। ठीक है, अ डिजिटल सिग्नेचर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज्ड। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बताया कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, कि मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड है किसी भी चीज़ डॉक्यूमेंट को एक तरह से साइन करने का और आश्वस्त करने का कि ये चीज़ बदलेगी नहीं, ये है जो हमने साइन कर दिया। जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस पर मान लो किसी ने साइन कर दिया तो वो फिक्स है एक तरह से, ऑल्दो टेम्परिंग के अदर केसेस हो सकते हैं, वो अलग बात है। मतलब एक ऑथेंटिसिटी होती है ना, कि हाँ ये हमने साइन करा लिया, अब ये फाइनल है। विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट द करेक्ट स्टेटमेंट आर, अच्छा उसमें कई सारे स्टेटमेंट रहेंगे, तो भीम ऐप अलाउज यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनी वन विद यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट। भीम ऐप हैज थ्री फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। ठीक है, भीम ऐप के बारे में आपने सुना होगा, यूपीआई से काम करता है। यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो उसने ये बनाया है और यूपीआई उसने रिलीज किया था, और भीम ऐप से उसको एक्सेस कर सकते हैं। भीम क्या, अब तो जैसे गूगल पे वगैरह है वो भी यूपीआई इस्तेमाल करती हैं, आपका पेटीएम हो गया, ये सब भी यूपीआई इस्तेमाल करती हैं, और इसके थ्रू अब डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या वहाँ से मतलब ले सकते हैं, दे सकते हैं, दोनों केस है। भीम ऐप में थ्री फैक्टर होते हैं ऑथेंटिकेशन के। ठीक है, दीज आर बिल्ड ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। अच्छा, बताया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेवलप है आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, ये शायद एजुकेशन पोर्टल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड दीक्षा, मुझे याद नहीं है। द एम ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस टू द इंटरनेट, ब्रिंगिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ आवर स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेज एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर। अच्छा, जो डिजिटल इंडिया का प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो क्या है कि गाँव को इंटरनेट से जोड़ना, और जो वाईफाई है वो स्कूलों में लाना या और पब्लिक प्लेसेस पे लाना, और जो टूरिस्ट सेंटर है वहाँ पे भी। ठीक है, द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई। एपीआई का मतलब क्या, इट कैन इंटीग्रेट इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आयरिस इज पॉसिबल। ठीक है, अच्छा, क्योंकि जो आधार है, आधार में आपका फिंगरप्रिंट और वो आँख स्कैन करते हैं ना, तो दोनों से ही ऑथेंटिकेशन पॉसिबल है। अगर वो फिंगरप्रिंट आप मारोगे तो भी वो ऑथेंटिकेट कर देगा, हाँ ये वही बंदा है जिसका ये आधार कार्ड है, या आंखों से स्कैन करके भी वो बता देंगे कि हाँ इसी का ही आधार कार्ड है। ठीक है, फिर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आधार, आधार कार्ड कैन नॉट बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। सही है, डोमिसाइल का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। आधार नंबर कैन बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाई इशूइंग अथॉरिटी, मतलब जो आधार की संस्था है उड़ाई उड़ाई, ठीक है, उड़ाई यूनिफाइड आइडेंटिटी पेमेंट, ऐसे करके आइडेंटिटी उड़ाई जो है संस्था है ना, UATI, UDAI, ऐसे कुछ करके, तो वो संस्था जो है ये आधार कार्ड इशू करती है। ठीक है, वही किसी का अगर किसी का नाम मिटाना है सर्वर से, या उनको डीएक्टिवेट करना है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, उसका आधार कार्ड है और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो अब डेथ हो गई तो उसका आधार कार्ड का कोई मतलब रहा नहीं। ठीक है, अब उसका नाम हटाना है तो वो इशूइंग अथॉरिटी हटा सकती है। ठीक है, लेकिन आधार कार्ड जो है उसमें आपका एड्रेस होता है, एड्रेस होता है, लेकिन एड्रेस का ये मतलब नहीं कि आपकी वो डोमिसाइल फिक्स करती है या फिर वो आपका सिटीजनशिप का प्रूफ है, दोनों ही चीज़ में वो नहीं है, दोनों केस में वो नहीं है। ठीक है, डोमिसाइल के लिए आपका निवास प्रमाण पत्र जो बनता है वही अभी भी फाइनल है। ठीक है, सिटीजनशिप के लिए तो है ही अलग चीज़। विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इट इज पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स, एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनी बॉडीज परमिशन। ठीक है, ब्लॉकचेन के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में दो स्टेटमेंट है, मतलब कई सारे रहेंगे तो इसमें दो सही हैं। इसमें पहले बताया कि जो पब्लिक लेजर होता है, लेजर का मतलब समझ लो कि एक प्रोफाइल मेंटेन होती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है, और वो अपने आप अपडेट अपडेट होती है जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, मान लीजिए कि
जैसे बिटकॉइन वाला एग्जांपल है, तो किसी को बिटकॉइन मिला, वो सबको पता चल जाएगा कि हाँ बिटकॉइन मिला, उनके पास एक लेजर होगा उसमें लिख के आ जाएगा कि इन इसको इस यूज़र को वो मिला, ठीक है, तो सबको पता चल जाएगा। और कोई भी इसको कंट्रोल नहीं करता क्योंकि वो ऑटोमेटिक अपडेट होती है, ठीक है। और किसी को भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या टेक्नोलॉजी बनानी है तो वो बना सकता है, उसको किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओपन, इसको कहते हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर करेक्ट मैच पेयर, इसमें करेक्ट मैच करना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी, वही आपका क्रिप्टो करेंसी जो होती है बिटकॉइन वगैरह, ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बताया। फिर विद रेफरेंस टू वेब 3.0, करेक्ट स्टेटमेंट आर वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा। वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाई यूजर कलेक्टिवली रेदर देन कॉपरेशन। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, इसमें डाल दिया, यूपीएससी का क्वेश्चन है, उसमें था ये, लास्ट ईयर मुझे याद है शायद 22 में या 23 में ही पूछा गया, ये 22 में पूछा गया था मेरे ख्याल, ठीक है, वेब 3.0 के ऊपर क्वेश्चन है। जैसे बताया कि वेब 3.0 का फायदा क्या होंगे, ये स्टेटमेंट था, तो इसमें पहले बोल रहा है कि ये लोगों को मतलब ज़्यादा कंट्रोल देगा कि अपना डाटा कंट्रोल कर सके। जैसे अभी हम कोई वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सारा डाटा उनको पढ़ने मिलता है, हमारे आईपी एड्रेस उनको पता चलती है, हम कहाँ से, हमारी लोकेशन पता चलती है, सारी चीज़ पता चलती है उनको, ठीक है। अब पता नहीं वेब 3.5 में ऐसा कह रहे हैं कि ज़्यादा कंट्रोल होगा हमारे डाटा के ऊपर। जैसे हम कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कई सारे परमिशन मांगता है ना, कि हमारा वो फोटो चेक करना है या कॉन्टैक्ट देखना है या मैसेजेस देखने हैं, ठीक है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे इसमें। और फिर बोल रहा है कि इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। हाँ, तो मतलब जैसे बाकी सारे सॉफ्टवेयर हैं, बाकी सारे लैंग्वेजेस हैं, उस पर ये मान लीजिए कि व्हाट्सएप बना है या कोई और सोशल मीडिया है, ठीक है, फेसबुक ट्विटर ये सब बने हैं, तो ब्लॉकचेन पे बेस्ड जब होगा तो वो लोगों को उसमें अपने आप पता चलेगा कि कौन आपके पैरेलल में है। हो सकता है आइडेंटिटी, एक्चुअल आइडेंटिटी ना रिवील हो, पर उसकी एक्टिविटीज़ पता चलेंगे अगर उस टेक्नोलॉजी पे बना ये सोशल मीडिया बनाया जाएगा, ठीक है। वेब 3.0 ऑपरेटेड बाई यूजर्स, ठीक है, कलेक्टिवली रेदर देन कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन जैसे अभी मान लो कि ट्विटर की पेरेंट संस्था है, ठीक है, मतलब एक मेन ऑर्गेनाइजेशन में फिर उसने ट्विटर बनाया, फेसबुक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे मेटा है, मेटा ने अपना बनाया सोशल मीडिया, ठीक है, वही ट्विटर। तो ऐसे नहीं, मेटा ने फेसबुक बनाया, गलत बोल दिया, ठीक है, मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम भी उन्हीं का ही है, अब तो उन्होंने खरीद लिया, व्हाट्सएप भी शायद उन्होंने खरीद लिया ना। तो इसमें क्या था कि वो एक संस्था है, वो इस सबको कंट्रोल कर रही है, पर वेब 3.0 में अलग अलग इंडिविजुअल अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे और वो अपने आप ही सिंक्रोनाइज होगा और वो पूरा कंट्रोल होगा, ठीक है, उसमें कोई एक संस्था नहीं कंट्रोल करेगी इन चीज़ों को, इनका कहने का मतलब है। फिर ब्लो फिश इज अ टाइप ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। अब ये तो नाम है, ठीक है, नाम याद रख लो। फिर एमंग कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग अंडरस्टैंडिंग द आउटपुटिंग द वर्क डन बाई वर्क नॉट डन बाई कंप्यूटर इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कंप्यूटर की, जिस दिन उसको अंडरस्टैंडिंग आ गई तो इंसान का जीना दोभर हो जाएगा। वैसे अभी भी नहीं है, जो एआई की बात होती है वो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो कई सारे लॉजिक लगाता है, कई सारे जो उनको इनपुट मिलते हैं उसके बेस पे वो आपको आंसर देता है, ना कि वो लॉजिक लगाता है, अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं है एक तरह से। जिस दिन उसको अंडरस्टैंडिंग आ गई, उसको समझदारी कहते हैं ना, समझदारी आ गई, उस दिन इंसान के लिए दिक्कत शुरू हो जाएगी। ऑल्दो इंसान वही डेवलप करने में अभी लगा हुआ है कि वो समझे चीज़ों को, और भाई वो समझ जाएगा तुम्हारी प्रोसेस तो तुम्हें तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है ना, ठीक है। द फॉलोइंग एक्सप्रेस एरर इन कंप्यूटर, बग, बग कहते हैं ना, बग आ गया, या डीबगिंग आपने सुना होगा, डीबगिंग प्रोसेस, ठीक है। इंडस्ट्री विच इज़ प्राइमरली यूज ऑफ मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बैंक में ज़्यादा यूज होता है, MICR, ठीक है। OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्निशन। OMR शीट जो आपकी एग्जाम में जो हम भरते हैं, ओमआर शीट कहते हैं, ओमआर शीट दे देना, ओमआर शीट भर देना वो, ठीक है, वही, अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर शीट में OMR इस्तेमाल होती है, ठीक है। IRC स्टैंड फॉर इंटरनेट रिले चैट। फिर फॉर विच वर्ड द लेटर जी यूज इन 2G स्पेक्ट्रम जनरेशन होती है ना, सेकेंड जनरेशन, 2G का मतलब सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, अभी हम लोग फोर्थ जनरेशन मतलब 4G इस्तेमाल करते हैं नेट, 5G आने वाला है, ठीक है। कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये नॉर्मली जो
अपने यहाँ वो नहीं था, जैसे सिविल इंजीनियर्स भी इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए घर वर का, ठीक है, या जो अरे उनको क्या कहते हैं यार, आर्टिस्ट वगैरह होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं इस टेक्नोलॉजी का। जी आई एफ स्टैंड फॉर ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, जी आई एफ, वो जो हम लोग इमोजी वगैरह भेजते हैं बोलने वाली, ठीक है, मतलब ऐसा लगता है वो बोल रहे हैं कुछ जो भी है, जी आई एफ कहते हैं, जी आई एफ भेज दिया। फिर 3D प्रिंटिंग एप्लीकेशन इज प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक ईयर्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये उसका यूज़ बता रहा है, 3D प्रिंटिंग का यूज़ बता रहा है, ये भी शायद यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3D प्रिंटिंग का कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलमोस्ट जहाँ भी कोई चीज़ बन सकती है या बना सकते हैं वहाँ 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने देखा था एक पोस्ट ऑफिस बना था बेंगलुरु में ना, पोस्ट ऑफिस बनाया गया था बेंगलुरु में, तो वो एक पोस्ट ऑफिस मतलब क्या, वो एक घर हुआ, ठीक है, घर बनाया उन्होंने ये 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके। मटेरियल वो कुछ और मटेरियल लेंगे, ऑब्वियस बात है ईंटा और वो नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन वो एक तरह का उन्होंने घर बनाया, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे जो सर्जरी होती है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोनिक ईयर मतलब होता है कि जो ईयर नॉर्मली मान लो किसी का कान कट गया, ठीक है, तो अब वो जो पॉलीमर्स होंगे वो ऐसा पॉलीमर लेंगे रबर टाइप का, ठीक है, उससे एक तरह का आर्टिफिशियल ईयर बना दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये 3D प्रिंटिंग है, 3D प्रिंटिंग में क्या होगा, वो लेयर बाय लेयर प्रिंट करता है, प्रिंट मतलब वो बनाता है, तो एग्जैक्टली जो ईयर शेप होता है वो बना सकता है, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल वहाँ कर सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं। द यूज ऑफ कंप्यूटर इन गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस, अ कंप्यूटर डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम इट्स स्पीड, एक्यूरेसी एंड मेमोरी। और वैसे बात है जो हम कहते हैं इफिशियंसी, कितने कम टाइम में वो काम को ख़त्म कर सकता है, ठीक है, जितना कंप्यूटर जितने कम टाइम लेगा उतना फास्टर वो माना जाएगा, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था, क्या होता है कि जैसे मान लो कि चार कंप्यूटर हैं उसमें से एक जो होगा वो सबसे तेज काम खत्म करेगा तो वो सुपर कंप्यूटर हो गया, ठीक है। अभी के जो कंप्यूटर हैं मतलब जैसे नॉर्मल कंप्यूटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो आपके घर में लैपटॉप होगा या डेस्कटॉप होगा, ये अगर आज से 20-25 साल पहले होता ना तो ये सुपर कंप्यूटर होता उनके लिए, क्यों, क्योंकि ये उनसे फास्टर है। तो ऐसे ही जो हम जैसे मान लो कि बात करते हैं कि ये वाला कंप्यूटर, ये वाला सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट है, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो मतलब जैसे हमारे में एक सर्किट लगी है चिप की, उनमें पता लगा मिलियन सर्किट लगी हैं, ठीक है, तो एक काम करने के लिए हमारे कंप्यूटर को मान लो कि आधे घंटे लग रहे हैं, उनको हो सकता है आधे सेकंड भी ना लगे, ठीक है, तो इसलिए वो सुपर कंप्यूटर है। फिर मल्टीमीडिया कैन कंटेन ग्राफिक, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक, वॉइस, ठीक है, ग्राफिक, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक, वॉइस, मल्टीमीडिया कुछ भी हो सकता है इसमें से। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मोर देन वन टाइप ऑफ मीडियम मीडियम इन कंप्यूटर एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मल्टी मीडिया। मतलब गाना भी सुन रहे हो, हाँ, वीडियो भी देख रहे हो, कुछ और भी ग्राफिक देख रहे हो, मतलब सारी चीज़ें मल्टी मीडिया। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन इन टाइम इज कॉल्ड मल्टी टास्किंग, ठीक है, जैसे अभी हम दो काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लेक्चर भी ले रहा हूँ और यहाँ PDF में मार्किंग भी कर रहा हूँ, तो ये मल्टी टास्किंग हो गया, ठीक है। वेन एन इंफॉर्मेशन इज डायल्ड ऑन टेलीफोन एंड रेड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन इट इज़ नोन एज टेलीफैक्स। टेलीफैक्स मतलब कोई इंफॉर्मेशन अगर टेलीफोन पे डायल की जा रही हो और उसको टेलीविजन पे दिखी जा रही हो तो उसको टेलीफैक्स कहते हैं, ठीक है। वी कैन सेंड थ्रू वीडियो मेल, वीडियो मेल से हम क्या क्या भेज सकते हैं, ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप, वीडियो मैसेजेस, ठीक है। ग्राफिक्स मतलब फोटोज, ठीक है, फोटोज, ग्राफिक्स मतलब फोटोज, और जो GIF होती हैं वो भी वीडियो क्लिप की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, वीडियो क्लिप या वीडियो मैसेज दोनों की कैटेगरी में आएगा वो GIF जो होती हैं। फिर द सर्विस ऑफ इंटरनेट दैट प्रोवाइड ऑडियो वीडियो कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 3G में आया था ना अपने यहाँ, 3G में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज कंडक्ट ऑफ वीडियो कॉल्स यूजिंग टेलीकॉम इंडस्ट्री, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, ठीक है। अमंग द प्राइम प्रिंटर स्कैनर वेबकैन एंड माउस दिस डिवाइस इज कम्प्लीटली कंपल्सरी फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वेबकैम, वेबकैम की जरूरत पड़ती है देखना शक्ल दिखाने के लिए। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, द टू पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस आर यूजर नेम एंड डोमेन नेम, ठीक है, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। द डोमेन नेम ऑफ ईमेल एड्रेस मार्क डॉट HTTOL IT डेस्क डॉट इन्फो इज इन्फो IT डेस्क डॉट इन्फो,
अच्छा, जो लास्ट वाला पार्ट होगा वही डोमेन नेम होगा, ठीक है, कितना भी डॉट लगा दो, एट द रेट लगा दो, तो जो लास्ट वाला होगा मतलब एट द रेट के बाद वही उसका डोमेन नेम होगा। फिर फॉलोइंग आर द फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, हॉटमेल, रेडिफ, याहू, इवन जीमेल भी फ्री है, ठीक है, जीमेल में पैसा नहीं लेता, अभी पुराना होगा इसमें, इसलिए रेडिफ, याहू और हॉटमेल है, जीमेल नहीं है, जीमेल के पहले का होगा या जीमेल के आसपास का होगा। डिजिटल फाइल कैन बी अटैच टू ईमेल, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट, फोटोज एट्सेट्रा, इवन वीडियोज भी शायद अटैच कर सकते हैं आप। तो द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइल्स कैन बी सेंड एज एन ईमेल, टेक्स्ट, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, सारी चीज़ तो भेज सकते हैं, मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ बचा है अब। सिंगुलर ऑफ अ डाटा इज डाटम, ठीक है, डाटा मतलब कई सारी चीज़ें, रॉ फैक्ट जो होते हैं, रॉ फैक्ट, फिगर, इन्फो, वो डाटा कहलाता है, रॉ फैक्ट, फिगर, उस जिसका कोई मतलब नहीं है वो डाटा कहलाता है। जब उसको प्रोसेस कर देते हो क्या बनता है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मतलब अ प्रोसेस्ड डाटा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। वर्ड ब्लॉग इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वेब ब्लॉग, वेब ब्लॉग, अच्छा, क्या, एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, मीनू कंटेन्स लिस्ट ऑफ कमांड्स, कहते हैं मीनू खोलो उसमें, तो उसमें कई सारे कमांड होंगे, अगर आप जब भी सेलेक्ट करोगे वो वही करेगा उस हिसाब से। इज अ वे ऑफ कौन सा, बुक मार्क, बुक मार्क इज अ क्विक वे, क्विकली एक्सेस फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग योर इन योर ब्राउजर, मतलब जैसे गूगल क्रोम में हम बुक मार्किंग कर लेते हैं, सीधा उस पर क्लिक किया और उस साइट पर पहुंच गए। साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन डिस्क स्पेस, ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब पुराने क्वेश्चन है, अब नहीं पूछे जाते वैसे तो। फुल फॉर्म ऑफ सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, पुराना ये भी, SMS, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज, अब ये उस दिन का है, मतलब 2022 का, ठीक है, एंड्रॉयड 13, अब तो आगे आ गया शायद, 14-15 चल रहा होगा। एन ई मेल दैट अपियर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम वन सोर्स बट एक्चुअली हैज़ बीन सेंट फ्रॉम अनदर, अच्छा, स्पूफिंग कहते हैं उसको, ठीक है, मतलब कोई ईमेल किसी को मिला और उस पर जो भी एड्रेस है वो ओरिजिनल एड्रेस नहीं है, गलत एड्रेस है, मतलब कहीं और से भेजा गया और उसमें बताया गया कि कहीं और से भेजा गया है, तो उसको स्पूफिंग कहते हैं। कस्टमर ऑफ अ सर्विस, कस्टमर ऑफ अ वेबसाइट आर अनेबल टू एक्सेस इट ड्यू टू फ्लडिंग ऑफ फेक नेटवर्क, ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये शायद UPSC का क्वेश्चन है, क्योंकि ये पिछली बार करंट अफेयर्स में था, UPSC वाले, मैंने पढ़ा था इसको, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि कोई वेबसाइट है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, तो जो हैकर्स वगैरह होंगे क्या करेंगे, बहुत सारे मैसेज भेज देंगे, फ्लडिंग कर देंगे, इतना कि वो प्रोसेस ही ना कर पाए, ठीक है, तो वो कहते हैं ना क्रैश हो गया वेबसाइट, तो वो वेबसाइट क्रैश हो जाएगी और जो उसके ओरिजिनल सब्सक्राइबर या कस्टमर होंगे उनको वो सर्विस नहीं मिलेगी जो चाहते हैं, ठीक है। साइबर लॉ टर्मिनोलॉजी, डॉस मीन्स डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है, साइबर लॉ के केस में DOS का मतलब होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, बताया था डिनाइल ऑफ सर्विस किस केस में होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये भी साइबर अटैक है, ये उसी तरह का है, ठीक है, उसी उसी का ही सब टाइप है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ये सब न्यूज़ में थी पिछली बार UPSC वाले। अ कंप्यूटर हैकर इज अ पर्सन हु वायलेट्स कंप्यूटर सिक्योरिटी विद मेलिशियस इंटेंशन ऑफ पर्सनल गेन, द टर्म क्रैकर्स मीन्स, क्रैकर मतलब रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु ब्रेक इन टू कंप्यूटर सिस्टम विदाउट ऑथोराइजेशन, डेलिबरेटली डिफेस वेबसाइट फॉर अ फ्रॉडलेंट पर्पस, मतलब क्रैकर, हैकर, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पता ही होंगी, उससे रिलेटेड है, हैकर मतलब जो मतलब किसी पर्सनल गेन के लिए किसी मलिशियस इंटेंट, मतलब किसी का जो मलिशियस इंटेंट हो पर्सनल गेन के लिए, और वो किसी कोई कंप्यूटर सिक्योरिटी में जब ब्रेक करता है, ठीक है, क्रैकर मतलब वही बंदा, ठीक, जो किसी कंप्यूटर सिस्टम में ब्रेक करता है बिना ऑथोराइजेशन के। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, क्रैकर आर ऑल्सो नोन एज ब्लैक हैट हैकर, ठीक है, हैकर की ही कई सारी वो होंगी ब्रांचेस, तो उसी में ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं उनको क्रैकर कहते हैं। वन हु गेन ऑथराइज एक्सेस, डिस्ट्रॉय वाइटल डाटा, डिनाइज लेजिटिमेट यूजर सर्विस एंड कॉज और कॉज प्रॉब्लम फॉर देयर टारगेट और कॉल्ड क्रैकर्स, ठीक है। साइबर क्राइम इज हैकिंग, स्टॉकिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, कई सारे हैं, तो ये एग्जाम्पल दिया था। फिर अमंग द फिशिंग, साइबर साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन चैटिंग, दिस इज नॉट अ साइबर क्राइम, ऑनलाइन चैटिंग, ठीक है, चैटिंग का पूरी दुनिया ही चैटिंग कर रही है, तो कहाँ से। द टू एसेंशियल फीचर्स ऑफ साइबर क्राइम आर ऑफेंडर कंप्यूटर स्किल्स,
अच्छा, विक्टिम इग्नोरेंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मतलब दो चीज़ें एसेंशियल होती हैं, कि पहला कि जो बंदा यूज़ कर रहा है वो इतना अवेयर नहीं है, वो कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा जानता नहीं है, ठीक है, या कुछ उसने गलती कर दी, मान लो कि एंटीवायरस नहीं है उसमें, तो वायरस आ गया कहीं से। फिर जो कंप्यूटर जो मतलब हैकर होगा, उसकी जो कंप्यूटर स्किल है वो कैसे आपके सिस्टम में हैक कर सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें फीचर होती हैं एक तरह से। फिर वर्चुअल कीबोर्ड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर अगेंस्ट, वर्चुअल कीबोर्ड किस तरह से प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को, मतलब किसके खिलाफ, पासवर्ड थेफ्ट, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर, ठीक है। फर्स्ट साइबर लॉ विच प्रोवाइड्स द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, अक्सर न्यूज़ में रहता है, अपने आप बना था, आईटी एक्ट 2000। फिर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस इन आईटी एक्ट 2000 आर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी। इन इंडिया इट इज़ लीगली मैंडेटरी फॉर फॉलोइंग टू रिपोर्ट साइबर इंसिडेंट, ठीक है, किसको, सर्विस प्रोवाइडर को, डाटा सेंटर को, बॉडी कॉर्पोरेट्स को, ठीक है। ऑल द एटीएम्स इन इंडिया आर लिंक्ड बाई एनपीसीआई, बताया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द कंट्री विच अडॉप्टेड लॉ ऑन डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर सिटीजन नोन एज जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन अप्रैल 2016, मतलब पुराना है ये, करंट अफेयर का था, कनाडा में, ठीक है, कनाडा में। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन कंप्यूटर रिसाइड्स इन रोम, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, यू कैन नॉट चेंज दिस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, उसमें पहले चीज़ें जो प्रोग्राम फिक्स हैं वो फिक्स हैं, वो उसी हिसाब से एक्सेस करेंगे, जो सिस्टम है वो खुद ही एक्सेस करेगा, ठीक है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते, हम उसको नहीं मॉडिफाई कर सकते, मतलब एक बार जो फिक्स हो गया उसमें फिक्स होता है, रीड ओनली मेमोरी में उसमें चेंज नहीं होता। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीज द चांस ऑफ थ्रेट, क्यों, क्योंकि जब कई सारे सिस्टम जोड़ दोगे, किसी एक में वायरस है तो आ गया, उस आपके में भी आ गया, ठीक है। इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रिसोर्स मल्टीप्लाइशन हो रहा है। फिर इंक्रीज द इंफॉर्मेशन एक्सेस पॉसिबिलिटीज, मतलब कोई इंफॉर्मेशन कहीं है और आपने नेटवर्किंग कर दी, तो आप अपने ही सिस्टम से उसको एक्सेस कर सकते हो, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाटा सिस्टम फॉर प्लानिंग, प्लानिंग आर ऑफन कॉल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डाटा सिस्टम फॉर प्लानिंग, इनको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। द स्पीडोमीटर ऑफ कार रिप्रेजेंट एनालॉग कंप्यूटर, स्पीडोमीटर ऑफ कार रिप्रेजेंट एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल समझते हैं ना, एनालॉग में सिग्नल ऐसे जाएगा, ऐसे एस वो साइनसॉइडल फॉर्म, ठीक है, डिजिटल में कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। तो रिटर्न प्रोग्राम ड्यू टू विच कंप्यूटर फंक्शन इन डिजायर्ड वे, सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाते हो आप सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने के लिए। अनदर नेम फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जितने भी कंप्यूटर में आपके प्रोग्राम है, कुछ भी है, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वर्चुअल चीज़ें जितनी भी हैं आपके फ़ोन में भी, वो कंप्यूटर वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का मतलब भी जैसे वर्चुअल चीज़ें हैं, दो ही चीज़ होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो अप्लीकेशन, एप्स, ये सब सब सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे, एप्लीकेशन, ऐप, प्रोग्राम, सब सॉफ्टवेयर है। एमंग द इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, बेसिक यूनिट विच इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट जैसे कोई चीज़ होती नहीं कंप्यूटर में, ठीक है। इनपुट, आउटपुट और मेमोरी, ये प्रोसेसिंग यूनिट, नॉर्मली मेमोरी भी नहीं, प्रोसेसिंग यूनिट में ही मेमोरी आता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रोसॉफ्ट इज सॉफ्टवेयर डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनी इन इंडिया, एम जंक्शन है, अमेजन था ये तो, पता नहीं ये एम जंक्शन क्या, नहीं पता, अमेजन तो था ही, पता नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इंक्लूड प्लेटफॉर्म, अच्छा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इंक्लूड प्लेटफॉर्म और सर्विस जिसको पास कहते हैं, फिर सॉफ्टवेयर एज सर्विस सास, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस ईआस, ये तीन चीज़ें हैं जिसमें क्लाउड कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इंक्लूड, उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग आती है। विद रिफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज सर्विस सास, द करेक्ट स्टेटमेंट, सास बायर्स कैन कस्टमाइज देयर यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डाटा फील्ड, सास यूजर कैन एक्सेस देयर डाटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस, आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल्स आर फॉर्म ऑफ सास। अब भाई ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो गया, वैसे तो ना पीसीएस पूछती है और ना यूपीएससी पूछती है, ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा है, पता नहीं, अगर यूपीएससी ने पूछा होगा तो वैसे भी किसी को नहीं आएगा, पीसीएस वालों को तो वैसे भी नहीं आना है, ठीक है। स्काई ड्राइव द नेम ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस माइक्रोसॉफ्ट का है। प्रोजेक्ट लून, ठीक है,
प्रोजेक्ट लून समटाइम्स इन न्यूज रिलेटेड टू वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फिर वेब पोर्टल डैश नेट इज रिलेटेड टू ई एग्रीकल्चर, फुल फॉर्म ऑफ IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, US की कंपनी है जिसने सबसे पहले शायद कंप्यूटर बनाया था, जो अभी के कंप्यूटर है, सबसे पहले कंप्यूटर बनाने इन्होंने शुरू किया था, किसी ने बनाया पता नहीं, लेकिन ये पुरानी कंपनी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट बनाती है वैसे ही ये भी बनाते हैं। फिर नहीं, माइक्रोसॉफ्ट OS बनाती है, एप्पल बनाती है। फुल फॉर्म ऑफ HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपका जैसे वेबसाइट जब लिखते हो ना HTTP फिर कॉलन डबल स्लैश करके ऐसा। फिर द प्रोटोकॉल यूज फॉर एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब बाई HTTP। एग्जाम्पल मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, वेब एड्रेस वही URL कहते हैं। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो HTTP था, ये FTP है, FTP में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये कौन सा प्रोटोकॉल था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, ये पुराना है, ये सब क्वेश्चन पुराने हैं, ठीक है, लेकिन चलो है तो है। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, फुल फॉर्म ऑफ UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS तो अब यूज़ में ही नहीं होता वैसे तो, पहले यूज़ में होता था क्योंकि अचानक से लाइट चली जाए तो आपका सिस्टम ऑफ हो जाता था, अगर सिस्टम अचानक से ऑफ हो गया तो दिक्कत होती थी ख़राब होने की, आपकी मेमोरी या वो सब बेकार हो जाता है कभी कभी, ठीक है, अचानक से पावर चली जाती थी, तो इसलिए UPS का इस्तेमाल करते थे पावर बैकअप के लिए, ताकि जब लाइट चली जाए तो आपको कुछ टाइम मिल जाए, आप उसको अपना काम सेव करके उसको मतलब बंद कर सको आराम से। इफ एनी इनपुट इज हाई मतलब वन पे है एंड आउटपुट इज ऑल्सो हाई वन पे है, सच गेट इज ऑर गेट। अब ये नहीं पूछते हैं वैसे तो, और पूछना भी नहीं चाहिए, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं उनको ही पता होगा, या आपको अगर 9th-10th में आपने कंप्यूटर के गेट्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अदरवाइज ये हवा नहीं लगेगी कि और गेट नैंड गेट नॉर गेट ये क्या है, ठीक है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं वो नहीं पता चलेगा। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर, 1 दिसंबर को एड्स था, एड्स वाला था, HIV, 2 को कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर लिटरेसी डे। इट वॉज क्लेम टू बी चीपेस्ट टैबलेट, अब ये आकाश पता नहीं गवर्नमेंट शायद दे रही थी इसलिए, ठीक है, करंट में रहा होगा इसलिए इसको पूछा गया, वैसे तो पता नहीं। द टर्म इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है नॉर्मली, कनेक्टिविटी और हार्डवेयर, ठीक है। इट इज मेथड ऑफ मेकिंग ऑटोमेटिक प्रिडिक्शन अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ यूजर बाई कलेक्टिंग प्रिफरेंसेस, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, ठीक है, मतलब जैसे हम मान लो कि अमेजन पे कुछ खरीद रहे हैं ना, तो सामने वो फिल्टर रहता है कि कितने रेंज में आपको चाहिए, किस किस कंपनी का चाहिए, ठीक है, तो वही है, वैसे रिलेटेड है। दीज आर कंसिडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइसेस, टेक्नोलॉजीज कौन सी है, क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये शॉर्ट रेंज डिवाइसेस या टेक्नोलॉजीज हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं काम करती होंगी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरिएबल टेक्नोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी अकम्प्लिश्ड बाई वेरिएबल डिवाइसेज, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ अ पर्सन, असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर पर्सन। अच्छा, वेरिएबल मतलब जिनको पहन सकते हैं जो टेक्नोलॉजी को, आजकल आपने देखा होगा कि कई चीज़ें आती हैं ना, कहते हैं इसमें वेरिएबल डिवाइसेज लगी हैं, अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं उसको कपड़े पे भी लगा सकते हैं या बैंड के रूप में पहन सकते हैं, जैसे वो घड़ियाँ आती हैं जिसमें हार्ट बीट वगैरह आपको मतलब वो दिखाएगा कि कितना हार्ट बीट है आपका, कितना ब्लड प्रेशर है, वो सब बताता है ना, तो वो वेरिएबल डिवाइसेस के थ्रू होता है। विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट लेज इंफोसिस ऑन कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, गूगल सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, ट्विटर पराग अग्रवाल, वैसे तो भट गए हैं, ठीक है, पुराना है, पुरानी न्यूज़ होगी, पुराना करंट अफेयर मतलब, एडोब शांतनु नारायण, ठीक है, तो शायद बाकी तीन हैं, पराग तो हट गए, ठीक है। फिर नोट इसमें लिखा है करंट CEO इज लिंडा याकरीनो, पता नहीं, ट्विटर के करंट। फिर चलो ठीक है, इसको यहीं पे पॉज करते हैं, धन्यवाद।